हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 1। इस चैप्टर को हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और कंप्लीट भी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लीजिए, आपको हर लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन इंडिया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में कौन से ईयर में द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ था? ऑप्शन आर 1919, 1949, 1904, 1912। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होता है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन बी लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन सी ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी एंड ऑप्शन डी ज्वाइंट लाइबिलिटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनके पास जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिमिटेड लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फॉर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स आर फिक्स्ड बाय। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कौन फिक्स करता है? ऑप्शन आर रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, जनरल बॉडी या आरबीआई। तो आंसर है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार इज द लीगल अथॉरिटी दैट कोऑपरेट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल फॉलोड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन से प्रिंसिपल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस करती है? नो वोट, वन मैन वन वोट, मल्टीपल वोट्स, वन शेयर वन वोट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वन मैन वन वोट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एटलीस्ट 10 एडल्ट्स, नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ। एटलीस्ट 10 एडल्ट तो होने ही होने चाहिए, बाकी उसमें मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, वो किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन बी जॉइंट हिंदू फैमिली, ऑप्शन सी पार्टनरशिप एंड ऑप्शन डी कंपनी। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रोविजन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऐसी कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को घर दिलाती है और रीजनेबल रेट पे? तो इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए कंज्यूमर कोऑपरेटिव, ऑप्शन बी क्रेडिट कोऑपरेटिव, ऑप्शन सी हाउसिंग कोऑपरेटिव, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हाउसिंग कोऑपरेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कोऑपरेटिव्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटीज हैं वो किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? ऑप्शन ए एरोस्पेस, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो मेन रोल वो प्ले करती हैं वो करती हैं एग्रीकल्चर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव। नीचे लिखे हुए ऑप्शंस में से कौन सी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक है? तो ऑप्शंस क्या है? प्रॉफिट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स, ऑप्शन बी वन वॉट पर शेयर, ऑप्शन डी ऑल डिविडेंड्स आर पेड ऑन पर शेयर बेसिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रॉफिट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, मेंबरशिप इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन। मेंबरशिप इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन इज ओपन, नॉट ओपन फॉर ऑल, ओनली फॉर द मेंबर्स, ओपन फॉर ऑल, ऑल ऑफ द अबव। जो मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या होती है? ओपन फॉर ऑल, कोई भी उसमें आके उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फेल्स, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कब फेल करेगी? जब उसकी लेवल अनलिमिटेड मेंबरशिप होगी, कैश ट्रेडिंग होगी, मिसमैनेजमेंट होगी या कोई भी रीजन नहीं होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कब फेल करेगी? जब उसमें मिसमैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11th, ऑल द कोऑपरेटिव्स आर एस्टैब्लिश्ड विद। जो भी कोऑपरेटिव है वो किसके अंडर एस्टैब्लिश होते हैं? किस बेस पे, क्या पर्सनल मोटिव, क्या मेन मोटिव होता है उनका? ऑप्शन ए फिलेंथ्रॉफिक मोटिव, ऑप्शन बी सर्विस मोटिव, ऑप्शन सी प्रॉफिट मोटिव, ऑप्शन डी रिफॉर्म मोटिव। तो उनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव, कि वो अपने मेंबर्स को क्या कर सके? सर्विस प्रोवाइड कर सके और उनकी हेल्प कर सके। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तक जो भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं उसमें से किसकी लीगल एंटिटी होती है? ऑप्शन आर सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो किसकी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। आई होप आपको आज के एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगली वीडियो में भी इस चैप्टर के कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।